शेयरिंग इज केयरिंग, जी हाँ, हम सबको शेयर जरूर करना चाहिए, और हमें जब खुद को कुछ शेयर करना होता है तो वो तो करना ही चाहिए। एनीवेज, ही व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है शुभम, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और आज के वीडियो के अंदर टाइटल आपको पता ही है क्या करने वाले हम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का एक पीसी का इंटरनेट दूसरे पीसी में शेयर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे इसके अंदर वाईफाई कार्ड लगा हुआ है, तो मेरे फोन के अंदर हॉटस्पॉट ऑन करके मेरे लैपटॉप के अंदर मैं इजीली इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन मेरे पास जो पीसी है उसके अंदर वाईफाई कार्ड नहीं है, अब मुझे उसके अंदर इंटरनेट चलाना है, और मैंने चाहता कि मैंने फ़ोन को उससे कनेक्टेड रखूँ यूएसबी थेटरिंग के थ्रू ओह माय गॉड, क्या बोलते हैं उसको, मैं चाहता हूँ कि मेरा लैपटॉप का जो इंटरनेट है वो वापस अपने पीसी के अंदर शेयर कर सकूँ। बहुत ही इजी तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ चाहिए एक इथरनेट केबल, उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। इथरनेट केबल नॉर्मल दुकान पर मिल जाती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने लैपटॉप के अंदर वाईफाई कनेक्ट कर दीजिए, लैपटॉप के अंदर इंटरनेट एक्सेस आ जाएगी। उसके बाद लैपटॉप में, या फिर आप दूसरे पीसी की भी बात कर रहा हूँ मैं, एक पीसी के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी वाईफाई है या जिसके अंदर ऑलरेडी इंटरनेट आ रहा है, तो उसके थ्रू आप दूसरे किसी पीसी के अंदर इजीली इथरनेट केबल के थ्रू अपना इंटरनेट शेयर कर सकते हैं एक क्लिक के, एक या दो क्लिक के बाद इजीली। क्या करना है आपको, सिंपली दोनों कंप्यूटर्स को आपस में इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट कर देना है बिल्कुल इसी तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो मेन कंप्यूटर है जिसके अंदर आपका इंटरनेट एक्सेस है, उसके अंदर आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के अंदर जाना है। वो कैसे जा सकते हैं, आपको सिंपली वाईफाई बटन पर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है, आपको यहाँ पे जाना है चैन एडेप्टर ऑप्शन के अंदर, जैसे कि आपका कंट्रोल पैनल पूरा खुल जाएगा। कंट्रोल पैनल के अंदर आपका जो इंटरनेट एक्सेस है, फॉर एग्जाम्पल वाईफाई के अंदर, यहाँ पे आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा शेयरिंग का, शेयरिंग बटन पर टैप कर देना है, और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है अलाउ अदर नेटवर्क यूजर्स टू कनेक्ट थ्रू दिस कंप्यूटर। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे थोड़े बहुत, जो भी आपका होगा। फॉर एग्जांपल मेरे इस केस में इथरनेट 2 है, जो मेरा कनेक्टेड है वो है इथरनेट 2। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा, तो मेरा जो इथरनेट 2 है, मतलब मेरा जो दूसरा पीसी कनेक्टेड है, उसके अंदर ये इंटरनेट को शेयर करने लग जाएगा। वहाँ पे कोई साइड में बॉटम में इजिली एक या दो सेकंड के बाद, या कभी कोई 5 सेकंड लग जाते हैं, उसके बाद इजिली वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी इशू आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, या फिर आप मुझे सिंपली डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, कोई भी इससे रिलेटेड इशू है मैं आपको सॉल्व कर दूंगा उसका। आई होप आपको एक क्विक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आएगी। पसंद है वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं चैनल पर डेली वीडियो डालता हूं। बहुत लोगों को पता है, अगर आपको नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। पीस आउट, लव यू।